इसका नाम अनीता है, तो इसका बर्थडे है आज। मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे भी आ रहा है। मेरे बहन को क्यों आके यहाँ पे रखे हो? तो इधर खाना वाना परोसा जा रहा है, चखना। कैसा बना है देखिए। इधर हवा आने के लिए 1.5 किलो। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह की वक्त है, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम जा रहे हैं बाहर के साथ बुरला, हम लोगों का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है आज। हम लोग जो मंगलवार को गए थे, आज शेड्यूल दे रखे हैं वो लोग, तो आज हम जाएंगे। और हमारे घर में कुछ काम काज हो रहा है, कल से चल रहा है। तो इंट्रो हमने शूट कर रखा था कल, लेकिन कल थोड़ा कैंसिल हो गया, तो इसलिए आज फिर कर रहा हूँ। ये देखिए, इधर दो हीरोइने आ रखे हैं कल से, इनका भी इंट्रो कल से शूट कर रखा था, लेकिन जो लोग काम करने आए थे वो लोग चले गए रात को ही, नहीं हो पाएगा कल। फिर जो बचा कुचा काम है कल करेंगे बोल के बोले, तो फिर आज आएंगे वो लोग। तो इधर उन लोगों के लिए खाना वाना बन रहा है, इधर आलू का भजिया बनेगा। ये हीरोइन ब्रश नहीं की है इसलिए शर्मा रही है। तो आज दो दो इवेंट कवर करूंगा मैं, एक ही ब्लॉग में दो दो इवेंट कवर करूंगा। एक वाला जो होगा हम लोग बुरला जाएंगे बाहर के साथ, और एक वाला होगा यहाँ का काम। यहाँ का काम जब मैं उधर से लौटूंगा तब जाके होगा, तो अभी मुझे वो लेने आएगी तो हम लोग जाएंगे साथ में। ये साली साहिबा मेरी, इसका घर में थोड़ा काम काज है, लेकिन इधर भी काम है तो इसको रोक रखे हैं आज भी। कल के लिए काम के लिए अक्सर इसको बुलाया गया था, लेकिन कल काम नहीं हुआ तो आज फिर रहेगी। मैं अपना स्कूटी छोड़ के जाऊंगा, उसकी स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ काम पड़ गया घर में, क्योंकि इसकी मम्मी भी बीमार है, काम अगर पड़ गया तो इसको तुरंत कोई लेके छोड़ सके, वैसे काम करेंगे। हो गए गाइस, हम पैदल निकल पड़े हैं, उधर से बाहर आ रही है, बहुत लेट हो रहा है यार, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन मुस्कान निकल रही है बाहर। अब 7:30 बजने को है, अभी जाएंगे, फिर वहाँ लाइन लगना पड़ता है, वहाँ फिर 100 जगह लाइन लगोगे, उसके बाद जाके जाओगे। ये क्या क्या करती रहती है पता नहीं, या अभी आ रही है, बताओ भाई। ये इसकी शक्ल देखो थोड़ा सा, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे भी आ रहा है। तुमको क्यों आ रहा है? मेरे बहन को क्यों आके यहाँ पे रखे हो, जल्दी चलो। देखो मैं इसके काम पे रोज जाता हूँ, लेकिन इसकी बहन को एक दिन यहाँ रख लिया तो इसको दर्द हो रहा है। उसकी वजह से तो इतना देर हो रहा है ना, उसकी वजह से देर होगा। चलो चलो, चलो। तो तुमको 4 बजे उठना नहीं था क्या? तुम 4 बजे से काम करना नहीं था? चलो ना जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले चले जाओ, मैं रह जाऊंगा। अभी 8 बजे जाएंगे, वहाँ लाइन लगेंगे, फिर लाइन लगते लगते 12 बज जाएगा, तो आएंगे कब फिर? यार लिटरली बोल रहा हूँ मैं 6 बजे से तैयार होके बैठा हूँ, अभी 7:30 बज रहे हैं। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। ये हॉस्पिटल पहुँच गए हम, पता नहीं कब काम खत्म होगा, क्योंकि घर में भी हमारा काम चल रहा है, दोनों तरफ का सिचुएशन मुझे हैंडल करना पड़ता है, इसलिए इधर भी आना पड़ा। जल्दी से खत्म करके जाएंगे घर फिर। तो ये रिपोर्ट मिल गया, अभी 9:30 बज रहा है, डॉक्टर हम लोग को 10 बजे कंसल्ट करने को बोला है, तो थैंक गॉड उससे पहले मिल गया है, अभी जाएंगे डॉक्टर से मिलने। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, इतना जल्दी काम खत्म होगा बोल के हम लोग सोचे नहीं थे, अभी 10:30 बज रहा है, अभी यहाँ से जाएंगे। हमारी गाड़ी कहाँ रखे हैं वहाँ जाएंगे, गाड़ी मतलब स्कूटी, वो 4 व्हीलर नहीं है, तो इसको डांट डूट के यहाँ तक ले आया था, लेकिन काम जल्दी हो गया। ऊपर वाले को लग लग शुक्रिया कि हमारा काम इतना जल्दी खत्म हो गया। ये स्कूटी धूप में खड़ी थी तो अभी एकदम पिछोड़ा लाल हो जाएगा। उई माँ, पानी थोड़ा डाल देता है, यहाँ लाओ। पानी डालेंगे तो फिर नहीं यार, सूख जाएगा, तुरंत सूख जाएगा, लाओ। मेरी बात सुनो, तुम हमेशा मेरी बात सुनो। मेरी बात है, पानी डालो, थोड़ा डालो पानी हर तरफ, बस और थोड़ा डालो ना, अभी सूख जाएगा, बस हो गया इतना ही। ये मुझे डर लग रहा था कि जल्दी काम खत्म नहीं होगा तो फिर से डबल काम मिलेगा। हाँ,
अगर काम जल्दी खत्म ना होता तो इसको डबल डांट मिलती, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया क्योंकि हमारे काम, क्योंकि हमारे घर में भी काम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा टेंशन में था। इधर इसकी बहन को ले रखा हूँ, उधर काम कर रही है, हम लोग इधर आए। तो ठीक है, अभी ज़्यादा देर ना करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए, 10:30 बज गया, अभी भूख लग रही है, तो जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अभी इधर अंदर कुछ जाएगा तो बाहर आएगा कुछ। ठीक है, सो गाइस, ऊपर पेड़ है और नीचे मस्त छांव है, तो उसका क्या, तो इस मौके पे कुछ खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं यहाँ मस्त पेड़ के नीचे, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। यहाँ पे कुछ मोहतरमा जी खरीद रहे हैं, बड़ी लीजिए दोस्त, इधर टॉल का मोटा बॉडी ले, हाँ दोस्त, ये लंबी लिस्ट बना के रखी है, ये लंबा लिस्ट बना के रखी है और अभी ये खरीद रही है, यहाँ से खरीद के सीधा घर। यार एक घंटा हो गया इसका मार्केटिंग ही खत्म नहीं हो रहा है, इधर खाता तो लंबा होते जा रहा है, अब क्या करें, कब खत्म होगा मैडम जी? हो गया, अभी दूसरा दुकान जाना है, दूसरी दुकान जाना। अरे बाप रे, फिर दूसरा दुकान, अभी फिर सर चकराने लगा मुझे। अब मोहतरमा जी बैठ गई, अब बैठ के मार्केटिंग करेगी। देखो नीचे थकान लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा मार्केटिंग भाई। तो गाइस हम घर पहुंच गए, बाहर अपने घर, मैं अपने घर पहुंच गया, ये उसकी बहन भी यहाँ है। कड़ी धूप में तपते हुए हम लोग आ गए, अब घर में क्या क्या प्रोग्राम है वो देखना पड़ेगा, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, चावल हो रहा है, तो ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी पूरा पक पक गया, मतलब कि धूप की वजह से। तो ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा बातचीत नहीं करें। तो गाइस उन दोनों को उठाते हैं अभी, दोनों हीरोइनों को, हीरा उठो उठो उठो, ये देखिए दोनों हीरोइन, ओए उठो 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 उठो, और 5 बजे वाला उठ, देख देख देख, उठो 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 उठो, मजा लगी थी पंखा तले। दोनों बंदरिया फिर सो रहे हैं, देखिए सुअर, उठो जल्दी चलो, प्याज वगैरह छिलेंगे अभी, लहसुन वगैरह। इन दोनों बंदरिया को तो उठा लिया मैंने, ये इतना इतना चिकन कटा है भाई साहब, ये देखिए, ये कढ़ाई में नहीं समाएगा इसलिए इसको हम लोग इस बर्तन पे करेंगे। ये तेल हमने गरम कर लिया है, अब इसमें प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर की मम्मी को भी थोड़ा सा देना है क्योंकि वो बीपी पेशेंट है। तो अभी इसको पकाने का पूरा वीडियो तो नहीं डालूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मेन मेन पार्ट को सिर्फ डालूंगा। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, तो फाइनली आप लोगों को दिखाई देगा अभी क्या काम चल रहा है क्या नहीं। तो वो घड़ी आ गया है, वो घड़ी आ गई आ गई आज, ये देखिए। तो भाई साहब ये काम चल रहा था आज, हमारा ईंट का भट्टा लगा है आज, देखिए इधर उधर चारों तरफ से धुआं निकल रहा है। नीचे इधर लकड़ी वगैरह लगाया गया है और इतना ऊंचा है, ये इतना ऊंचा है, इसको अभी लगता है बंद करेंगे। नहीं तो इधर खाना वाना परोसा जा रहा है हमारे वर्कर कम मेहमानों के लिए, मेहमान है, मेहमान ज्यादा है, वर्कर कम है, तो 3 लोग भाग गए, वो लोग पता नहीं क्यों भागे, हम लोगों को पता नहीं चला। तो इधर हमारी 2 हीरोइन, इनको काम करने के लिए ही बुलाया गया है, ये सुंदरी, और अभी उनको खाना वाना दिया जाएगा, उसके बाद उनको विदाई दी जाएगी। इधर चिकन का क्या बोलते हैं इसको, चकना, और ये चिकन
चिकन ग्रेवी कैसा बनाया देखिए। चिकन ग्रेवी बना है, इसके बाद ये आलू का क्या बोलते हैं भुजिया। और इधर हमारी साली जी, साली से इधर हमारी क्यूटी बहन, इधर हवा आने के लिए 1.5 किलो। तो फाइनली आज बहुत खुश हुए क्योंकि हमारा ईंट में भट्टा लग चुके हैं, आग लग चुकी है। अब चाहे जितना भी बारिश है, थोड़ा सा बादल मंडराता था तो एकदम दिल को धक्का लगता था कहीं बारिश ना हो जाए, ईंट ना भीग जाए। उसको कवर लगाए थे फिर भी डर लगता था, लेकिन आज 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 बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। मेरी क्या बोलते हैं उसको, मामी जी हंस रही है, थोड़ा फनी टाइप का लगा ना। तो अभी अभी पता चली है बात कि हमारी जो भतीजी है ये, इसका नाम अनीता है, तो इसका बर्थडे है आज। देखिए सज धज के आ गई आज, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। ये इसको शायद वीडियो में कभी नहीं देखे होंगे, इसको जरूर देखे होंगे। ये हंस रहा है देखिए हलकट, हाँ इसका उसका भाई है ये। तो दोनों एक साथ खड़े हो जाओ एक बार, दोनों को एक साथ खड़े करते हैं। देखिए ये है इसका भाई है ये, आयुष अनीता, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू कह देते हैं एक बार फिर से। हाँ ये बहुत एक्साइटेड है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इनको विदा करते हैं। अभी केक देने आई थी ये, देखिए हाथ पूरा केक हो गया है, मूवी इसका ठीक है।